वेलकम बैक दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंट्रूडर को यूज़ करके एक वेब लॉगिन पेज पे ब्रूट फोर्स अटैक किया था। दोस्तों इस वीडियो में हम जो टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तुम्हें कौन सा कहाँ यूज़ करना है। तो दोस्तों अपनी जो ओवास मशीन है इसको रन कर लो, ठीक है, और तुम्हें आईपी मिल जाएगा, उस आईपी को विज़िट कर लो। और हाँ, उससे पहले दोस्तों देखो, मैं फेसबुक पेज पे कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, जैसे मैंने ये वीडियो शेयर की थी, ठीक है, जो एक रियल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट था ओटीपी को लेकर, ठीक है। तो मैं कोई ना कोई वेबसाइट है उस पर कुछ ना कुछ टेस्टिंग करता रहता हूँ और पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ। तो पेज की जो दोस्तों वीडियोज़ हैं उन्हें फॉलो करते रहा करो, इससे तुम्हें रियल लाइफ अप्रोच मिलेगी कैसे चीज़ें की जाती हैं। और दोस्तों जो कम्युनिटी टैब है हैक्स एंड सिक्योरिटी का, यहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, जैसे ये वीडियो का लिंक भी मैंने यहाँ पोस्ट किया था, इसे फॉलो करते रहा करो। तो दोस्तों अब फिर से हम वहीं चलते हैं, मिटिली डे टू में चलेंगे। तो दोस्तों 2013 में जाएंगे और हम फिर से यहाँ पे जाएंगे लॉगिन पे। तो दोस्तों फिर से हम वही करेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था, यहाँ पे कुछ भी ले लो, एडमिन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ले लो दोस्तों XYZ, ठीक है। इंटरसेप्ट को कर लो दोस्तों ऑन। तो अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये पेज आ गया मेरे पास यहाँ। इसको मैं इंट्रूडर में सेंड कर दिया हूँ, ठीक है, इंट्रूडर रेड हो गया। देखो देखो दोस्तों ये 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, कुछ अच्छा सा नाम देता हूँ, अटैक। देखो दोस्तों शायद तुम्हें पता भी होगा, शायद मैंने बताया ना हो, तुम डबल क्लिक करके किसी भी टैब को रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको अटैक नाम दे दिया है। तो अब पोजीशंस में आते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर टाइप ऑफ अटैक्स हैं। देखो दोस्तों जो ऊपर के दो हैं ना, स्नाइपर है, बैटिंग रैम है, ये एक पेलोड सेट पे काम करते हैं। देखो यहाँ पे पेलोड्स होते थे ना, यहाँ पे पेलोड सेट बनाते थे, एक पेलोड सेट्स पे ये दोनों काम करते हैं। पोजीशंस चाहे कितनी भी हो, ये सब पोजीशंस हैं देखो जो सिलेक्टेड हैं। सबसे पहले तो हम पोजीशंस को क्लियर करते हैं क्योंकि हम खुद की पोजीशन बनाएंगे। और जो नीचे के दो हैं ना, ये मल्टीपल पेलोड सेट्स पे काम करते हैं। अगर तुम्हें ये बात नहीं भी समझ में आई, अभी तुम प्रैक्टिकल देखोगे क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम हमारी पोजीशंस बनाते हैं पेलोड की, जैसे एक तो ये एडमिन, ठीक है, ऐड कर दो इसको, और एक ले लो पासवर्ड, ठीक है, तुम ज़्यादा भी ले सकते हो जितना चाहो, ठीक है। पहले दोस्तों हम देखते हैं स्नाइपर को, ठीक है, हम जाते हैं दोस्तों पेलोड्स में, पेलोड सेट एक ही रहेगा, मैंने बताया स्नाइपर और जो बैटिंग रैम है इसमें एक ही पेलोड सेट होता है। अब दोस्तों देखो पेलोड टाइप हम क्या लें, हम ऐसा कुछ लेते हैं जो रियल वर्ल्ड में तुम्हारे ज़्यादा यूज़ होगा। तो दोस्तों मैं ले रहा हूँ ब्रूट फोर्सर। तो दोस्तों मैंने ब्रूट फोर्सर ले लिया, देखो ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ये है कि इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो अभी तुम समझ भी जाओगे, मैं लेता हूँ दोस्तों AB, सिर्फ AB, ठीक है। मिनिमम लेंथ 4, मैक्सिमम लेंथ 4, मतलब कि सारे 4 लेंथ के होंगे क्योंकि मिनिमम भी यही है और मैक्सिमम भी यही है। देखो दोस्तों पेलोड काउंट हमारे कितने बने, 16। देखो A और B के 4 डिजिट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देखो, 16 बनेंगे, अभी तुम देख भी लोगे। रिक्वेस्ट काउंट डबल क्यों है, है ना, तुम इसे कुछ ये सोच रहे होंगे, ये इसलिए है क्योंकि दोस्तों पोजीशंस हमारे पास दो थी। खैर एक मिनट, इस अटैक को रन करते ही तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसे रन कर देता हूँ। देखो दोस्तों अब देखना ध्यान से, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। सबसे पहले आया AAA, मतलब 4 डिजिट था ना, देखो लेंथ 4 थी ना, ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, सारे 4 लेंथ के होंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब हुआ क्या, जो यहाँ तक ये सारी कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाती हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी है, 16 है इनकी टोटल। देखना A और B की 4 डिजिट की 16 कॉम्बिनेशन बनेगी, इसलिए पेलोड काउंट 16 था। तो ये 32 क्यों है, देखो अब कोई भी एक ऊपर का ले लो, ठीक है, 16 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो चुका है, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसका हम रिक्वेस्ट देखते हैं, देखो दोस्तों यूज़र नेम तो गया था ये, ठीक है, जो हमारा पेलोड है, पासवर्ड गया था XYZ, पासवर्ड में कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही ये होगा, ठीक है, और मतलब 16 तक ऐसा ही है सब। देखो पासवर्ड वही का वही है, ये बदल गया है, ठीक है, ये हमारा पेलोड है। तो दोस्तों अब मैं नीचे आता हूँ, 17th पे आता हूँ, मैं 17th पे आया, मैं देखो यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो चुकी है, ये सबसे पहले वाला भी AAA था हमारा, ठीक है, और 17th भी वही है। तो अब यहाँ का रिक्वेस्ट देखता हूँ दोस्तों, देखो अब यूज़र नेम वही है लेकिन पासवर्ड पेलोड है, ठीक है, अब तुम समझ गए होगे कि टोटल 32 कैसे हुए। अटैक को कर देते हैं बंद दोस्तों और इसे कंसेप्चुअली समझते हैं। देखो मैं आता हूँ पोजिशंस में,
दोस्तों मैं कितनी भी पोजीशंस बना लूँ, जैसे इसको भी एक पोजीशन मान लेता हूँ, इसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तीन हो गई अब मेरे पास, जितनी भी मान लो, पेलोड सेट हमेशा एक रहेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्नाइपर, स्नाइपर में मैंने क्या कहा, पेलोड सेट हमेशा एक ही रहता है। देखो दोस्तों, जब ये ऊपर से नीचे आएगा, हमने एक पेलोड सेट बना लिया, मतलब हमारी एंट्रीज तैयार हैं, ठीक है, तो ये जब ऊपर से नीचे हम जाएंगे पेज में, सबसे पहले कौन सी आई, पोजिशन नहीं आई, ठीक है, तो ये इसमें सारे पेलोड्स एंटर करेगा, पूरा पेलोड सेट इसमें एंटर करेगा, मतलब सारे पेलोड्स एक एक करके एंटर करेगा, बाकी सारी पोजीशंस को डिफ़ॉल्ट रहने देगा जो भी हैं, ठीक है। अब ये एडमिन था तो एडमिन रहेगा, ये एक्स वाई जेड था तो एक्स वाई जेड रहेगा, इसमें सारे पेलोड आते रहेंगे, ठीक है। जब ख़त्म हो जाएगा पूरा पेलोड सेट इसके लिए, फिर इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देगा, जो है अगले पे मूव कर जाएगा, फिर एडमिन को बदलता रहेगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब एक टाइम पे ये एक को हैंडल करता है, ठीक है, बाकी को कॉन्स्टेंट छोड़ देता है। ये है स्नाइपर की वर्किंग। अब आते हैं दोस्तों कि इसको क्लियर कर दो, ये बस तुम्हें समझाने के लिए किया था, इसको क्लियर कर दो। अब आते हैं दोस्तों बैटरिंग रैम पे। बैटरिंग रैम में भी सेम होगा, देखो मैं पेलोड में गया, अभी भी यहाँ पे एक ही है, ठीक है। अब दोस्तों इसको शुरू करता हूँ, शुरू करते ही तुम समझोगे, देखो तुमने देख भी लिया होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट काउंट 16 है, ठीक है, वहाँ पे 32 था, यहाँ पे 16 हो गया। अटैक को शुरू किया, अब इसमें कोई भी एक ले लो, ठीक है, 16 कॉम्बिनेशंस बनेगी, कोई भी एक ले लो, फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आता हूँ, देखो यूज़र नेम भी वही है और पासवर्ड भी यही है, ठीक है, सब में यही होगा, कोई भी ले लो। तो अब तुम समझ गए होगे दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब ये क्या करता है कि कितनी भी पोजीशंस हो, जैसे मैं एक और ले लूँ, इसको भी मान लो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको भी ले लो, ऐड कर लो, ठीक है, फिर से चाहे शुरू कर दो अटैक को। तो मतलब जितनी भी पोजीशंस मैंने बनाई, चाहे मैं 100 पोजीशन बना रहा हूँ, पेलोड सेट एक ही रहेगा जैसे स्नाइपर में था, और ये क्या करेगा सब में, देखो ऊपर भी आ चुका होगा, ये रहा ए बी ए ए, यहाँ पर भी ए बी ए, ठीक है, तीन जगह आ गया, ठीक है, मतलब सारी पोजीशंस में ये उस पेलोड सेट को एंटर कर देगा इकट्ठा, मेन चीज़ ये है यहाँ पे, ठीक है। स्नाइपर क्या कर रहा था, एक में एंटर करता था, बाकी को कांस्टेंट रखता था, ये सब में एक साथ डालेगा, ठीक है, जितनी पोजीशंस हैं। जो नीचे के दोनों हैं पिचफोक और क्लस्टर बॉम्ब, ये मल्टीपल पेलोड्स पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिया गया था, हटा देते हैं इसे, तो ये दो काफ़ी हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं क्लस्टर बॉम्ब। अब मैं जाता हूँ पेलोड्स में, अब देखो दो पोजीशंस है ना, तो पेलोड्स भी मेरे पास दो आ गए, मैंने कहा था ना ये मल्टीपल पेलोड्स पे वर्क करते हैं। तो दोस्तों पहला वाला हम यही रहने दें या कुछ और ले लेते हैं ताकि तुम कुछ सीख पाओ। तो दोस्तों सिंपल लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डालता हूँ, एक्स एन एस ए बी सी कुछ भी, एडमिन तो रहने देते हैं, खैर ले लेते हैं, तो हैज़ ले लेते हैं, तो कुछ भी ले लिया दोस्तों, इस टाइप से पांच हो गए टोटल, ठीक है। और अब पेलोड सेट टू मुझे तैयार करना है, ये मेरा पहला पेलोड सेट तैयार हुआ है, ठीक है दोस्तों, अब टू लेते हैं। अब देखो यहाँ पर फिर से वही, यहाँ पर हम कुछ ऐसा लेते हैं जो ज़्यादा यूज होता है, नंबर्स ले लेते हैं। दोस्तों मैं ले रहा हूँ सीक्वेंस, ठीक है, एक से लेकर और कह लो कि पाँच तक, ठीक है, एक से लेकर पाँच तक, मतलब कि स्टेप रखूँगा एक। देखो मैंने एक क्यों लिया स्टेप, एक जब मैं स्टेप लूँगा तो ये एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, एक दो तीन चार पाँच इस टाइप से, अगर मैं दो ले लेता तो ये कुछ इस टाइप से इंक्रीज होता, एक फिर तीन फिर पाँच, ठीक है, तो मैं सिंपल चाहता था इसलिए मैंने एक लिया स्टेप। तो दोस्तों अटैक को शुरू करते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब देखो दोस्तों पहले क्या हुआ, एक्स एस ई ए बी सी सन्नी एडमिन एक्स, ठीक है, सिक्स से रिपीटेशन शुरू हुई है, ठीक है, देखो और फिर से रिपीटेशन शुरू 11 से, मतलब हो गया रहा है बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो, इसका इसके सब, ठीक है, एक एक करके ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और इसका पहले वाला पेलोड टू का पहले वाला वन है ना, पेलोड टू इस टाइप से जाता है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो इसका पहले वाला वन है, तो इसके एक एक करके सब इंक्रीज हुए लेकिन इसका पहला वाला ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके फिर से शुरू हो गए एक एक करके, इसका दूसरे वाला आ गया, मतलब सारे कॉम्बिनेशन आ गए एक तरह से देखो तो, है ना, सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे इस टाइप से, तो जो भी इनके पॉसिबल थे आपस में म्यूचुअल, तो ये इस टाइप से दोस्तों वर्क करता है।
मतलब कि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही आ जाते हैं, देखो 25 आए टोटल, ठीक है। तो दोस्तों इसको कर देते हैं बंद। देखो दोस्तों, और वही बात है मैथमेटिक्स वाली, बेसिक मैथमेटिक्स वाली, पांच पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे इसके, ठीक है। पेलोड काउंट पांच था पहले वाले सेट का, दूसरे का भी पांच था, तो टोटल क्या उतना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं। और अगर तीन होते दोस्तों, मैं कुछ और भी मान लो मान लेता, तो ऑब्वियसली फिर वही मल्टीप्लाई वाला काम हो जाता। मान लो ये भी पाँच होते, ठीक है, इसको भी मैंने बना दिया और ये टोटल पाँच हो जाते, तो पाँच इंटू पाँच इंटू पाँच 125 हो जाता, कुछ इस टाइप से। देखो टोटल 125 होंगे। वीडियो को दोस्तों मैंने थोड़ा कट कर दिया, ये काफ़ी लेंथी होगा, इसको भी कट कर देता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, देखो दो पोजिशंस थी ना हमारे पास, मैंने तीन कर दिया, और जो तीसरा पे लोड सेट है मेरा वो भी मैंने वही कर दिया सेम, एक से पाँच, मतलब टोटल पाँच। मतलब मैं ये दिखाना चाहता था कि ये टोटल 125 हो जाएंगे, जितने भी तुम यहाँ पे करते जाओगे ना पोजीशन, सबका कॉम्बिनेशन ट्राई होगा, मतलब कि जो सबका जो पे लोड सेट का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और उतनी टोटल रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आते हैं पिच फोक पे, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास तीन पोजीशंस हैं, ठीक है, तीन ले लो या दो ले लो। अब मैं फिर से दोस्तों देखो, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट काउंट है वो पाँच है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हम देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट अटैक करता हूँ दोस्तों। देखो दोस्तों कोई भी एक ले लो, ये ले लिया मैंने XSE, ठीक है, नीचे जाता हूँ, वैसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो, पहले का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का पहला, ठीक है, वही चीज़ तुम यहाँ से देख सकते हो। हाँ, पहले का दूसरा, दूसरे का भी दूसरा, तीसरे का भी तीसरा, ये इस टाइप से वर्क कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप से। अब मान लो कि मैं पेलोड सेट वन पे आता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी करता हूँ, ठीक है, अब ये कितने हो गए दोस्तों, सात, ठीक है, अभी भी रिक्वेस्ट काउंट पाँच रहेगा, ठीक है, मतलब जो मिनिमम होगा ना इनमें से, मतलब कि मान लो कि मैं दूसरा वाला है ना, इसको चार कर देता हूँ, ठीक है, राइट, अब ये चार हो जाएगा, जो मिनिमम होगा ये उतना जाएगा, क्योंकि इसको हर एक पोजीशन पे एक पेलोड भेजना होता है। देखो कुछ इस टाइप से स्टार्ट करता हूँ अटैक, ये पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इस टाइप से चल रहा है। जब ये चौथे पे आ गया है तो एक इनमें से ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पेलोड टू यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जब ये इससे आगे बढ़ेगा तो इसको पेलोड टू से कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो मतलब ये इस पोजीशन पे कुछ रख नहीं पा रहा है, पेलोड टू में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए ये अटैक बंद हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो पिचफोक और जो क्लस्टर बॉम है, इसको मल्टीपल पोजीशंस चाहिए होती है दोनों को। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ मान लो कि सिर्फ एक्स वाई जेड को अपना पोजीशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं जाता हूँ पेलोड्स में, अब एक ही पेलोड सेट आएगा, ठीक है, अब टोटल हो गए सात, ये जो सात हैं। अब मैं स्टार्ट अटैक करूँगा तो ये होने नहीं देगा अटैक, ठीक है, ये बोल रहे कि 2 से 20 के बीच में पेलोड पोजीशंस लाओ, ठीक है, 20 यहाँ पे हमारी मैक्सिमम है, 2 तो होनी ही होनी चाहिए क्योंकि हम अटैक ही ऐसा कर रहे हैं। तो ये दोनों जो अटैक हैं, पिचवॉक और क्लस्टर बॉम, इन दोनों की रिक्वायरमेंट है कि दो पोजीशन। तो और तुमने देख ही लिया ये अटैक कर क्या रहे थे, ये कॉम्बिनेशंस बना रहे थे ना, तो एक का मतलब कि मल्टीपल जो पोजीशंस है उनकी कॉम्बिनेशन बनाने का काम करे, तो एक में ये अटैक कैसे एग्जीक्यूट होंगे। और एक और चीज़ दोस्तों, जैसे कि जो स्नाइपर है, अगर एक ही पोजीशन है, ठीक है, तो स्नाइपर कुछ ऐसा बनेगा, और मैं ले लूँ बैटरिंग रैम, ठीक है, ये दोनों एक ही होंगे, मतलब कि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा अगर पोजीशन एक ही है, और ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस होनी चाहिए। तुमने देखा ना ये काम कैसे कर रहे थे, तो अगर एक ही पोजीशन होगी तो ये दोनों अटैक बिल्कुल सेम होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। खैर अब एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ उठता है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कौन सा इनमें से ज़्यादा यूजफुल है, कौन सा हम कहाँ यूज़ करेंगे, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। तो दोस्तों आपको एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, रियल वर्ल्ड में कैसे चीज़ें होती हैं। मान लो कि एक अटैकर्स ग्रुप है, वो एक वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, तो वो हैक करते हैं, उनके पास पूरा डाटाबेस आ जाता है, तो उसमें फ़ोन नंबर होंगे लोगों के, ईमेल होंगे, यूज़र नेम होंगे, पासवर्ड होंगे, बहुत कुछ होता है। जो पासवर्ड है वो जनरली अच्छी सॉल्टिंग यूज़ की होती है, अच्छी तरह से एनक्रिप्टेड होता है, तो उसको कोई तोड़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। अब मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन सिक्योरिटी भी नहीं है। एक चीज़ जो वो ईजिली कर सकते हैं ईजिली, वो क्या है कि हर यूज़र नेम को उसके फ़ोन नंबर के खिलाफ ट्राई करो, ठीक है, जो पासवर्ड एनक्रिप्टेड है उनको छोड़ो, जो यूज़र नेम है उसको ट्राई करो उसके फ़ोन नंबर के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत सारे जो मेजॉरिटी पब्लिक है वो अपना पासवर्ड फ़ोन नंबर ही रखती है, ठीक है। यहाँ पे वो कौन सा अटैक करेंगे, पिचफोक। पिचफोक बेसिकली क्या था,
एक यहाँ दो पेलोड सेट थे, अब यहाँ पे दो पेलोड सेट बन गया, एक यूजर नेम्स का और एक फोन नंबर्स का, मतलब यूजर नेम के खिलाफ फोन नंबर, ठीक है। इस टाइप से ध्यान से सोचोगे तो पिचफोर्क है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक यूजर नेम सारे फोन नंबर्स के खिलाफ ट्राई हो रहा है, वो तो क्लस्टर बॉम्ब होता, वो नहीं है। पिचफोर्क जो यूजर नेम है उसके कोरस्पोंडिंग जो फोन नंबर था वही ट्राई हो, ठीक है। तो उनको इसी से बहुत सारे अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अपना पासवर्ड अपना फोन नंबर मत रखो। अब देखो दोस्तों, जितने अकाउंट्स के एक्सेस उनको यहाँ से मिलने थे फोन नंबर्स की वजह से, वो उनको मिल गए। अब वो क्या करेंगे, एक कॉमन पासवर्ड्स की डिक्शनरी लेंगे कि ये कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक के, तो उनको ट्राई करेंगे। अब हर यूजर नेम को हर कॉमन पासवर्ड के अगेंस्ट ट्राई किया जाएगा, अब क्या हो रहा है, अब क्लस्टर बॉम्ब हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो क्लस्टर बॉम्ब है वो जो पिचफोर्क है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तुमने कॉम्बिनेशंस में भी देखा, क्लस्टर जो बॉम्ब था उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, और जो हमारा पिचफोर्क था उसमें काफ़ी कम कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर यूजर नेम था, तुम्हें पता है कि एडमिन का यूजर नेम है, या तुम्हें पता था कि ये पार्टिकुलर ईमेल एडमिन की थी, ठीक है, ये वेबसाइट ओनर की एडमिन थी, उस केस में जो यूजर नेम है वो तो हो गया फिक्स्ड, वेरिएबल सिर्फ एक ही बचा तुम्हारे पास, वो है पासवर्ड। तो तुम कोई कॉमन डिक्शनरी ले सकते हो पासवर्ड्स की, तो उस केस में ऑब्वियसली जो स्नाइपर का जो सबसे बेसिक है वो तुम यूज़ करोगे, स्नाइपर यूज़ करोगे, बैटरिंग रैम यूज़ करोगे, ठीक है। तो तुम एक पेलोड सेट बनाओगे और जो पासवर्ड्स गाओगे और वो चलता रहेगा। और ओटीपी सिस्टम्स में ज़्यादा यूज होता है, जो रियल लाइफ टेस्टिंग होती है उसमें ओटीपी सिस्टम्स में ज़्यादा वल्नरेबिलिटी मिलती है। तो वहाँ पे जो तुम्हारा स्नाइपर है, जो बैटरिंग रैम है, स्नाइपर यूज़ कर लो, बिल्कुल बेसिक नंबर्स का सीक्वेंस बना लो, ठीक है, उसको ट्राई करते रहो, वहाँ पे वो ज़्यादा काम आता है। देखो दोस्तों, आगे जब हम ब्रूट फोर्स पे कंसेप्चुअल वीडियो बनाएंगे तब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट वेबसाइट पे ट्राई करना और ऑफलाइन जो फाइल है उस पे ट्राई करना कितना डिफरेंस है, कैसे क्या करना है, वो सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और देखो दोस्तों, क्या है कि कंडीशन कैसी भी आ सकती है, कैसी भी, देखो जो रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होती है वेबसाइट्स की वो उस तुम्हारी अप्रोच पे डिपेंडेंट होती है। जैसे तुम न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, क्वेश्चन सोल्व करते हो, उस टाइप से होती है, मतलब तुम्हारी अप्रोच बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अप्रोच अच्छी तभी होगी जब तुम्हें हर चीज़ का पता होगा। मान लो तुम्हें ये पता है कि मैं ऐसे कुछ कर पाता, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ये ऐसे करना क्या है, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इसलिए तुम्हें हर एक टाइप बताया जाता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहो इन सब की जो जो आज तुम्हें बताया गया है, और अगली वीडियो में मिलता हूँ।